जी हाँ गाइस, ये बॉडी में दूध होता है, दूध। दोस्तों, तेलंगाना के स्टेट में करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में 30 किलोमीटर दूर एक मोलंगूर फोर्ट है। वो फोर्ट के अंदर एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसा वेल है जिसे आप देखकर चौंक जाओगे। जी हाँ गाइस, वो यही बॉडी है। आपको यानी कि दो दूसरे बॉडियाँ होते हैं, ये बॉडी से बहुत अलग है। जी हाँ गाइस, ये जो वेल है ना, ये वेल बहुत ही इसकी हिस्ट्री है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, इसे कहते हैं दूध बॉली मिल्की वेल। जी हाँ गाइस, मैं सच कह रहा हूँ, इसे कहते हैं दूध बॉली मिल्की वेल। इसके अंदर पानी सेम दूध के जैसा होता है गाइस, इतना मीठा, यानी कि दूध के जैसा मीठा होता है, दूध के ऐसी खुशबू आती है और दूध के जैसा ही दिखता है, दूध का कलर ही होता है। तो गाइस, वहां के लोगों का कहना यह है कि पहले के निजाम सरकार यही पानी को इस्तेमाल करते थे, यानी कि जो टांगा होता ना गाइस, घोड़े का टांगा, तो ये टांगे पे पानी लिख जाते थे निजाम सरकार लोग। तो इतना हिस्ट्री है गाइस, यानी कि निजाम सरकार लोग पानी को ले जाते थे, यानी कि जबी से ही इसका नाम पड़ा है दूध बॉली मिल्की वेल। और वो मोलंगूर के लोग यही 70% पानी यूज करते हैं। उन लोगों का कहना यह है कि ये बॉडी हमारी एक दवा है। जी हाँ, ये बॉडी हमारी दवा है, हम लोग यही पानी पीते हैं। अगर हमको बुखार आया या हमें, यानी रिसेंटली कोरोना आया ना गाइस, जो जिसको भी कोरोना आया वो डिस्ट्रिक्ट में, उस मोलंगूर में, जिस वो करीमनगर में, तो ज़्यादातर लोग यही पानी पिए हैं। यही यानी कि किसको नहीं पता गाइस ये मिल्की वेल। जी हाँ, दूर दूर तक किसी को भी नहीं पता इसके अंदर की राज। अगर आपको ये वीडियो फैलाना है तो गाइस फैला दो। अगर आपको बीमारी है यानी कि किडनी में कंकर आया, तो वहाँ के लोग यही पानी पीते हैं और इसी से ही कम हो जाता है। तो गाइस, दूध बॉली के मिल्की वेल के खासियत को देखकर डॉक्टर भी रिसर्च करा इस बॉली के पानी को, कि इसमें कैसी खुशबू आ रही है, दूध के जैसी खुशबू आ रही है, और इसका कलर भी दूध के जैसा है, और पानी भी यानी कि दूध के जैसा मीठा है। तो डॉक्टर की रिसर्च के बाद उन लोगों का कहना यह है कि मिनरल वाटर से भी ज़्यादा प्योर है। और वहाँ के लोगों का कहना यह है कि ये पानी आज तक नहीं सूखा। जी हाँ गाइस, वो पूर्वज लोगों को भी पूछ लिए कि आज तक ये पानी नहीं सूखा, कितनी कड़क धूपों के बाद, यानी कि पीक समर में भी ये पानी नहीं सूखा। जो गाइस, ये मोलंगूर फोर्ट है वोरागिरी मोगरा जो बनाए हैं 13 सेंचुरी में, ये इसलिए बनाए हैं कि जो कि वरंगल का फोर्ट है, यानी कि जो ट्रैवल करते हैं ना गाइस वरंगल फोर्ट से, वहां पे और एक फोर्ट है, यानी कि मोलंगूर फोर्ट के आगे एक और एक फोर्ट है, वहां से वहां जाने के लिए उन लोगों को पानी की दिक्कत हो रही थी। तो ये बॉडी यानी कि मोलंगिरी मोगरा जो बनाए हैं, ये बॉडी इसलिए बनाए गए, यानी ये पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी वहां के लोगों को, तो ये बॉडी इसलिए बना गया था। तो देखिए इसका चमत्कार क्या है कि डॉक्टर भी, साइंटिस्ट भी आज तक इसको नहीं पहचाने हैं। और ये दूध बॉली के पानी को दूसरे कंट्रीज के लोग भी इस्तेमाल करते हैं, वहां के लोगों का ये कहना है। और आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको एक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक न्यूज का डाल दूंगा, तो वो न्यूज आप देखिए, यानी कि V6 का ये न्यूज है, तो आप जाके उस न्यूज को जरूर देखिए, आपको अभी ज्यादा यकीन आ जाएगा। फिर वहां के लोगों को बुखार आती है, किडनी में कंकर आता है, तो वहां डॉक्टर्स एक ही सलाह देते हैं कि आप वो बॉडी का दूध बॉली का पानी पीजिए, आपको पूरा कम हो जाएगा। जी हाँ, वहां के डॉक्टर्स भी इसी पे ही मानते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को ज्यादातर शेयर करिएगा, क्योंकि दूध बॉली का पानी ही लोगों के बीमारियों को दूर कर सकता है। जी हाँ गाइस, वहां के लोगों का यही कहना है, वहां के डॉक्टर्सों का यही कहना है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ज्यादातर वीडियो शेयर करना गाइस, क्योंकि यही राज होगा उन लोगों को बीमारी का दूर होने। तो दूध बॉली का हर एक जने को पता होना जरूरी है।